क्लास 12 फिजिक्स का पेपर जो कि आपका 4 मार्च को यहाँ पे शेड्यूल्ड है, उससे रिलेटेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी जो कि शायद आपके यहाँ पे डाउट्स भी हो, और कुछ ऐसे न्यू चीजें पता चलेगी जो कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहली चीज जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमनली गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जैसे कि ऑप्शन जो लिखने रहते हैं वो सिर्फ 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूँ, ये आपके 16 मार्क्स के नहीं बल्कि पेपर में 24 मार्क्स के पूछे जाएंगे आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज तो आपके 12 मार्क्स के रहेंगे, साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग जो है आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, और इसी के साथ साथ 2 केस स्टडी भी आपको देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको जो है पैसेज गिवन रहेगा, और उसी के साथ साथ 4 एमसीक्यूज आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल आपके 2 केस स्टडी है, यानी कि टोटल 8 एमसीक्यू आएंगे, तो 8 नंबर इसके भी आपको मिल जाएंगे। भाई मतलब कि अगर ये 24 मार्क्स में से जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही एटलीस्ट सही कर लेते हो तो आप जो है यहाँ पे पास हो सकते हो। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आप करके जाइए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के दिमाग में कॉमनली डाउट आ रहा है कि वेव ऑप्टिक्स क्या जो है आपका यहाँ पे पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा डाउट क्यों उठा है? क्योंकि अगर आपने जो है अभी का सैंपल पेपर उठा के देखा है तो उसका जो है ब्लूप्रिंट कुछ इस हिसाब से, अब ब्लूप्रिंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना वेव ऑप्टिक्स को लेकर कई जगह जो है ये चीज मेंशन है कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि यहाँ पे मैं अगर आपको सही ब्लूप्रिंट दिखाऊं तो वेव ऑप्टिक्स से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि ऑप्शनल में आया है, ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ पे जो है ये सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट भी जो है हम उतना ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्या रहता है ये जो वैल्यूज रहती है ना ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, ये आपकी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफर हो सकती है। तो इससे अच्छा यही है कि आपको जो है हर चीज के लिए आप यहाँ पे तैयार रहे। और यहाँ पे जैसा कि मेंशन था कि भाई वेव ऑप्टिक्स में जो है आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है, आपको जो है कुछ अलग से क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स में जरूर से देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे आपके लिए क्या करा है, हमें जो यहाँ पे 3 जो कि मोस्ट प्रोबेबल ब्लूप्रिंट लग रहे हैं जो कि आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिए, और उन्हीं के बेसिस पे जो है 3 पेपर भी जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में सभी पैटर्न जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप जो है पेपर में यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो पहला ब्लूप्रिंट अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर यहाँ पे जो है जैसा कि आपका लॉन्ग आंसर आ रहा है, शॉर्ट आंसर जो है पूछा गया है, असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू का है। तो टोटल यहाँ पे 9 मार्क्स का वेटेज बना रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपका 1 मार्क का यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे शॉर्ट आंसर के देखने को मिले जो कि यहाँ पे 7 मार्क्स का वेटेज बना रहे। जबकि हम जो है सीबीएसई के ब्लू प्रिंट के हिसाब से चले तो यहाँ पे जो है आपका 11 मार्क्स का था, तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 11 मार्क्स का है, हो सकता है वो आपके यहाँ पे 9 मार्क्स के भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए आपके लिए 3 टाइप के जो है हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार किए, जिसमें ये वाला जो वेटेज है जो कि आपका ऑफिशियली यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट पे गिवन है वो जो है डिफरेंस नहीं होगा, तो उसको जो है हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखा है कि ये जो टॉपिक्स का यहाँ पे क्लब मिला के वेटेज बनता है वो सभी में जो है आपके यहाँ पे सेम रखा जाए, और बाकी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के, तो वो चीज भी जो है आपके यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो तीनों ब्लूप्रिंट को जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे नजर डालो, जैसे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका 9 मार्क का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क का है ना, फिर आपका जो है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म ये जो है आपका 8 मार्क का है जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे। तो यहाँ पे भी जो है हमने यही चीज सेम रखी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जो है धीमे धीमे यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए 5 नंबर के, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके 2 क्वेश्चन ही जो है हमें देखने को मिले थे 5 नंबर के। तो वो जो है ना आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का अलग अलग जो है कैटेगरी चेंज हो जा रही है। तो इस हिसाब से हमें जो है ब्लूप्रिंट के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा ब्लूप्रिंट भी जो हमने आपके लिए तैयार किया है, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वेटेज है वो ब्लूप्रिंट आपका जो ओरिजिनल गिवन था उसके हिसाब से रखा गया है। तो ये जो है तीनों पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, और यहाँ पे जो है हमने ये चीज का भी ध्यान रखा है कि हाँ वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो है वो भी आपके यहाँ पे डाले जाए। तो ये चीज है इसको जो है अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और देखो एक चीज जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, सभी हमारे जो ब्लूप्रिंट्स है साथ ही साथ जो सीबीएसई ने यहाँ पे रिलीज किया था कि मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर और ईएम वेव से जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा, तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई लॉन्ग आंसर में इनके जो है डेरिवेशन भी देखने को नहीं मिले। तो इसलिए मैं आपको पहले भी कहते आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उससे हम ज्यादातर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके डेरिवेशन पूछ लिया जाए, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल सकता है या फिर ऑप्टिक्स में, तो ये चीजें जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो लॉन्ग आंसर 1, 2, 3 मतलब तीन आपके टोटल लॉन्ग आंसर पूछे जा रहे हैं, तो वो जो है किस हिसाब से डिवाइड होंगे। एक लॉन्ग आंसर आपका जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जा सकता है। दूसरा जो लॉन्ग आंसर है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ईएमआई या फिर एसी से पूछा जा सकता है। और तीसरा जो लॉन्ग आंसर है वो आपका या तो रे ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स से जो है डाला जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है हम ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पेपर में कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि भाई डेरिवेशंस में सभी में स्टेप वाइज मार्किंग रहेगी, तो प्रॉपर तरीके से सारे डेरिवेशंस आप दिखाएं। तो यहाँ पे जो है आपके लिए टॉप 25 डेरिवेशंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है पहले से ही अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और भी जो बचे हुए डेरिवेशंस है वो आपके यहाँ पे आज रात तक अपलोड हो जाएंगे, तो उनको अगर आपको टाइम मिलता है तो उनको भी जरूर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है फॉर्मूलेस की, सभी उसमें आपके जो चैप्टर के फॉर्मूलेस है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे दे दिए गए, तो उसको आप जरूर से चेक कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट में आपके जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रीजनिंग टाइप के आ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, या फिर जो है लॉज डेफिनेशंस ये चीजें पूछी जा सकती है, साथ ही साथ ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट पीडीएफ भी जो है आपके लिए अपलोड कर दिए, तो उनको भी जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना। तो ओवरऑल पेपर में यही टाइप के जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट की यहाँ पे अगर बिल्कुल भी जो है तैयारी नहीं है या फिर काफी कम प्रिपरेशन है, तो उनके लिए अभी जो है हमने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा ताकि आप कम से कम एक डिसेंट स्कोर तक जो है फिजिक्स के पेपर में पहुंच पाओ। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे हेल्पफुल रिसोर्सेज लगातार प्रोवाइड करें, और ये जो मैं यहाँ पे तीन सैंपल पेपर्स की बात कर रहा हूँ वो भी बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो इनको भी जो है आप कल तक जरूर से यहाँ पे एक बार लगा लीजिएगा ताकि आपकी जो है और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।